लोकसभा चुनाव सिर पर है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी लगातार अब की बार 400 पार की मुहिम तेज करती जा रही है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा है। कांग्रेस यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है। तो क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं, या फिर कांग्रेस के रणनीतिकारों के पास मोदी लहर की काट का कोई मास्टर स्ट्रोक है जो वो चुनाव के पहले चल सकते हैं? क्या मायावती को साथ लेकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने वाली है कांग्रेस? सियासी गलियारों में इसको लेकर तमाम कयास चल रहे हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आज हम इन्हीं सियासी अटकलबाजियों के कयासों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार भी अमेठी से वो मैदान में नहीं उतरेंगे। कांग्रेस के 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी से गांधी परिवार फिर मैदान छोड़ने वाला है। राहुल गांधी फिर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक के बाद अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस कायम है। खबरें थी कि यूपी के कांग्रेस संगठन की तरफ से रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी का नाम भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का यूपी से पलायन हो गया है। रायबरेली और अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। 2019 की मोदी योगी लहर में कांग्रेस ने अमेठी सीट बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों गंवा दी। राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी विजयी रही। अब रायबरेली सीट जीतने पर भी असमंजस है, क्योंकि सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वो राजस्थान से राज्यसभा में जा चुकी हैं। कांग्रेस का यूपी में फिलहाल समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव की पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये गठबंधन भी फंस गया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से अंतिम वक्त पर प्रियंका गांधी ने बात की, तब ये गठबंधन शेप ले सका। दोनों पार्टियों का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन इसमें बहुत हलचल नहीं दिखाई दे रही है। 25 फरवरी को जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची, तो अखिलेश और राहुल साथ दिखाई दिए। दोनों पार्टियों का 7 साल बाद गठबंधन हुआ था। दोनों ने एक दूसरे का भरोसा जीतने की कोशिश की। राहुल ने आगे बढ़कर अखिलेश यादव को गले लगाया। कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश हुई कि पिछले 7 साल के गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर अखिलेश यादव में भी जोश आ गया। उन्होंने बीजेपी को उखाड़ फेंकने की हुंकार भर डाली, लेकिन आगरा के बाद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आगे बढ़ गए और अखिलेश यादव अपनी चुनावी मुहिम में। 25 फरवरी के बाद राहुल और अखिलेश एक साथ नहीं दिखे हैं। समाजवादी पार्टी भी पिछले 15 दिन में कई संकट झेल चुकी है। राज्यसभा चुनाव में उसे बीजेपी के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। रायबरेली से उसके कद्दावर नेता मनोज पांडे साथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से रायबरेली और अमेठी के लिए उम्मीदवार का ऐलान करने में हो रही देरी के पीछे ये सब भी कारण हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। चुनावी माहौल सतह पर दिख रहा है। बीजेपी की आक्रामक रणनीति के आगे कांग्रेस की लचड़ नीति समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही है। वैसे भी अखिलेश की पार्टी और राहुल की पार्टी के कार्यकर्ताओं की केमिस्ट्री जुड़ पाना कठिन होता है। वोट ट्रांसफर की बात तो बाद में है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों से पहले साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी कुछ खास नहीं कर सके थे और राज्य में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बन गई थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों साथ आए तो किसको कितना वोट मिला, ये आपको दिखाते हैं। तो 2017 विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश राहुल साथ आए तो समाजवादी पार्टी को 21.8%, कांग्रेस को 6.3%, बीजेपी को 39.7%, बीएसपी को 22.2%, यानी पिछली बार जब राहुल और अखिलेश साथ आए तो दोनों को मिलाकर सिर्फ 28% वोट मिले थे। अब तो यूपी में बीजेपी का वोट शेयर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर से दुगना है, यानी
बीजेपी को इस समय यूपी में 56% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले हथियार डाल दिए हैं? समाजवादी पार्टी के साथ भी वो यूपी में बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर आपका जवाब हां में हो सकता है, लेकिन एक चर्चा बहुत तेजी से सियासी गलियारों में चल रही है। सियासी अटकलबाजी ये है कि अभी भी कांग्रेस ने यूपी में मायावती से गठबंधन का विचार नहीं छोड़ा है। मायावती से गठबंधन कर कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का विचार कर रही है। यूपी में चर्चा बड़ी गर्म है कि बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगले 8 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी और मायावती की लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत भी हो चुकी है। ये बातचीत सोनिया गांधी की पहल पर शुरू की गई है। वहीं एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस मायावती को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना से ही चला तो जल्द ही यूपी की तीनों बड़ी पार्टियां यूपी में एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। हालांकि न तो मायावती और न ही कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है, ये सिर्फ कयास ही है। तो आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यूपी में बीजेपी का मुकाबला तभी मुमकिन है जब ये तीनों पार्टियां साथ आएं। और अगर ये तीनों पार्टियां साथ आती हैं तो इनका वोट शेयर यूपी में बीजेपी से आगे जाता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। मायावती का पॉलिटिकल करियर भी खत्म होने की कगार पर है। अगर तीनों पार्टियों के गठबंधन की कोई गुंजाइश बनती है तो यूपी में चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा। इन संभावनाओं की जड़ों को हम आगे भी कुरेदते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।